बच्चे भूखे सोते हैं। योगी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। 7 सितंबर से बिल्कुल स्ट्राइक में बैठे हैं। देखो हमारी ईद निकल गई, हमारी दिवाली गई, दशहरा गया और हमारा अभी लोहड़ी भी फीकी गई, हमें कोई सैलरी नहीं मिली। खाली झूठा वादा होता है कि आपकी सैलरी आ रही है, मिल जाएगी, लेकिन कोई नहीं मिलती। हमारा 50-50 महीने का पीछे वाला बकाया रह रहा है। मैं 2000 से लेकर काम कर रहा हूँ PHE में, तो अभी 5 साल हो गए हैं, सैलरी मिले हुए बकाया पड़ा हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो गए, ना तो दिहाड़ी लगा सकते हैं ना कुछ। हमें डिपार्टमेंट में लगाया गया पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, किसी चीफ इंजीनियर ने एंगेज किया, किसी जई ने एंगेज किया, कोई भी एंगेज अथॉरिटी हो। 20-25 सालों से हम लोग डिपार्टमेंट में रहे, इसमें लैंड ओनर्स हैं, IHI चैन है, CP वर्कर्स हैं, लैंड नीड बेस हैं, अलग अलग नाम दे के इनको बांटा गया हमें डिपार्टमेंट के अंदर। जो भी सरकारें रहीं, चाहे पिछली सरकारें हों चाहे ये सरकारें हों, हमारे साथ कैजुअल लेबर के साथ जो ये मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग जिसे कहेंगे हम, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक जुल्म सरकारों ने किया। वो चाहे PHE की डिलीवरी से हों, चाहे PDD के हों, चाहे PWD की हों, या चाहे हमारी बाईं तारीफ NRHM के लोग यहाँ पे बैठे हों और मेरी बैक साइड में 680 दिन से कॉन्ट्रैक्ट लगवा यहाँ पे बैठे हैं। गवर्नर साहब तक मिले, गवर्नर साहब ने हमारी बात बहुत अच्छे ढंग से सुनी और हमें आश्वासन दिया उन्होंने कि मेरी कलम से जितना होगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जब हमने सुबह जो बजट की कॉपी देखी उसमें डेली वेजरों के लिए है ही कुछ नहीं। हमारे डिप्टी CM थे जो निर्मल सिंह, जो हमारी स्ट्राइक चल रही थी, हमारे धरने पर आए और उन्होंने कहा मैं हम BJP की सपोर्ट करो, BJP को वोट डालो और हम जब हमारी गवर्नमेंट BJP की आएगी मैं 15 दिन के अंदर आपको बकाया वेतन देंगे, हम आपको परमिट कर देंगे। और उन्होंने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। तो कुल अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है, जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट है, ये एक किस्म से अढ़ा किस्म पे चल रहा है। और दूसरी बात अगर करें कि डिमांड हम क्या कर रहे हैं, कि डिमांड कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। कोई ये गरीब लोग मर्सिडीज गाड़ी नहीं मांग रहा है, कोई ये लोग ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि जो हमने जो मजदूरी की है वो हमें वेतन दो। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और दिल्ली सरकार का पहले से ही आर्डर हुआ है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपया, उससे कम तो आप दे नहीं सकते हो। हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन